फिलिप बनाता है।
है मुकेश, घर बनाएगा, भाड़ेदार घर दखल कर लेगा, कुछ नहीं, हम लोग खाना खाएंगे। इन लोग महिला समिति तो लठैत के रूप में काम करने आई थी। जो मकान मालिक है, जो सो कॉल मकान मालिक है, उनके द्वारा बुलाया गया था और उन्हीं के लठैत के रूप में लोग आई थी, पैसे पर भाड़े पर आई थी और मुझे पुलिस ने बुलाया था कि पेपर दिखा दीजिए क्या मामला है। तो मैंने कोर्ट का पेपर उनको दे दिया और दे के लौट रहे थे अपने गाड़ी कार के, तब पीछे से अचानक हमला कर दी। नहीं नहीं, हमारा क्लाइंट है जो वहाँ टेनेंट है, भाड़ेदार। अच्छा, टेनेंट है। उज्जवल, उज्जवल कुमार बर्मन। अच्छा, तो उसके तरफ से हम गए थे। तो उन्हीं का दखल कब्जा है, 5-7 साल से रह रहे हैं वो लोग। अच्छा अच्छा, इनका आरोप है, ये लोग का कहना है कि 5 लाख रुपया लिया है वो एडवांस, ठीक है। और ये लोग कनाडा शिफ्ट करके यहाँ अमेरिका कनाडा में उनके बच्चे लोग हैं, वो लोग वहाँ शिफ्ट कर गए हैं और उन्होंने कहा कि हम क्वार्टर नहीं रखना चाहते हैं, आप अपना 5 लाख में लोग खरीद लिया, मतलब बोलने का मतलब। और उसके बाद 5 साल बाद उनको फिर याद पड़ गया, चूंकि दाम पड़ रहा है आजकल, तो उनको फिर लालच आ गया, उसके बाद फिर वो आज पहुंच गए। इसी मामला को लेकर टाइटल सूट चल रहा है कोर्ट में, मुंशी के न्यायालय में। ओएस ओरिजिनल सूट बोलते हैं, ओरिजिनल सूट 23/2017। अच्छा, इसी मामला, इसी बीच में लोग देखा कि अब तो खाली खड़ा नहीं पाएंगे हम लोग, न्यायालय में मामला चला गया और न्यायालय में लोग हाजिर भी हो गए हैं जो मालिक है। तो और उसके बाद आके अपना भाड़े के आदमी लाके यहाँ पर तांडव करने लगे, मारपीट सब। उसके बाद पुलिस वाले ने हमको खबर किया कि आप पेपर, आपके क्लाइंट बोल रहे हैं पेपर आपके पास है, हम बोले हाँ पेपर मेरे पास फाइल है, तो बोला आप पेपर लेके आ जाइए, तो वही पेपर मेरे खाने के लिए इंस्पेक्टर को पेपर दे के और चल दिया मैं और निकल रहे पीछे से आके हमला कर दिया। तो इन पर कुछ ये किया, पुलिस से एक्शन हुआ? हाँ, पुलिस अभी एफआईआर हो, उज्जवल बर्मन की ओर से एफआईआर हो रहा। और हमारा कहना है कि अब तो न्यायालय का जोत है नहीं, भीड़ तंत्र ही अब काम करेगा, वही रोड पर ही फैसला होगा सब मामले में। और पुलिस मुख्य दर्शक बनी रही, पुलिस सपोर्ट में थी, उन लोग के महिला समिति के साथ थी पुलिस और परोक्ष रूप से उसके समर्थन में थी पुलिस, और हंगामा हो रहा है, पुलिस चुपचाप खड़ी है, कुछ नहीं कर रही है और सुबह से हंगामा चल रहा था वहाँ। तो ये घटना शाम में हुई 4 बजे, लेकिन घटना सुबह से ही चल रहा, वहीं पर वहाँ 50-60 औरतें वहाँ पर खाना बना रही थी, वहीं पर गेट पर एंट्री कर दी थी, वहाँ टेंट लगा दी थी और टेंट लगा के और पुलिस उन लोगों का प्रोटेक्शन दे रही महिला समिति को। महिला समिति कौन होता है कानून हाथ में लेने वाला? इसको हम रख के गए थे वहाँ पर, तो बेटा बेटी जब तो उसके बाद आए तो घुस नहीं मिलते। मेरा क्या किया था, भाड़ा पे देती क्या किया था? नहीं, फ्री में रह रही, फ्री में उसको 1.5 बरस। किसको दिया था क्वार्टर? शादी में गए थे, जान पहचान निकल गई थी उसका, इसको पति का नाम है उज्जवल कुमार वर्मन और औरत का नाम है भारती वर्मन। कब दिया था क्वार्टर, कितना साल पहले दिया था? 14 में खाली करेंगे। हाँ, है? जो करना है सो करो, हम नहीं खाली करें, नहीं देंगे। आप कहाँ रहते हैं? इधर दोस्त लोग के यहाँ मायके में रांची।
घुसने नहीं देते, हार्ट का दिक्कत है, एंजियोग्राफी सब करवाए कलकत्ता से, वो सब यहीं पर है। तो हम बोले बहन जी हमको निकालने दीजिए, डॉक्टर मांग रहे थे हार्ट में, लेकिन ये नहीं खोले, नहीं दिए यहीं पर। मेरा दो रूम में सामान भरल है बाबू, दो रूम का दिए। पुलिस को बोले थे? पुलिस को बोले थे? हाँ बोले। क्या बोला पुलिस? वही बोले तो कल गए थे तो वही बोले कि ठीक है भेजे थे। पुलिस ने मदद नहीं किया? दो जन पुलिस को भेजे थे, तीनों ही खोली दरवाजा नहीं। जो भी आते हैं दरवाजे नहीं खोलती है, फिर वो लोग लौट के चले।